गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर फ्रॉम सीओम एजुकेशन। हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन का एक्सरसाइज 2.2 तक किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने कार्ल पियर्सन मेथड सॉल्व किया सारे सम्स, राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। आई होप यू ऑल हैव सीन आवर प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, ओके। और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। प्लीज शेयर करो सो दैट इट रीचेस आउट टू मेनी स्टूडेंट्स। हमने हर बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 2.3, नाउ लेट्स क्लियर अवर कंसेप्ट, राइट। ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड है क्या, राइट। लास्ट टाइम जब हमने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड देखा तो उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो दोनों वेरिएबल्स एक्स एंड वाई वेरिएबल दोनों क्वांटिटेटिव, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यूज कैरी करते थे। तो कार्ल पियर्सन मेथड इज मेनली कंसर्न्ड अबाउट न्यूमेरिकल्स वैल्यू ओनली, क्वांटिटेटिव। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए कि यही चीज हमको किसी क्वालिटेटिव चीजों को एनालाइज करना है तो क्या करना है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए ऑनेस्टी, राइट, ये ब्यूटी, काइंडनेस, लॉयल्टी, हार्ड वर्क, ये सब का मेजरमेंट कैसे लेना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देना कैसे, तब आई एस पियरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। He came out with this method, right? उनके मेथड में ऐसा है कि वो क्या है कि जो भी क्वालिटेटिव है उसका एक वैल्यू देते हैं और उसको उसके हिसाब से, उसके प्रोफिशिएंसी के हिसाब से और उसका रैंक दिया जाता है और उस रैंक को दोनों वेरिएबल का एनालिस किया जाता है और उसका फॉर्मूला लगा के, राइट, दैट इज आर इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला से वो उस दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है, रैंक कोरिलेशन क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, वो फाइंड आउट करते हैं। सो इट्स वेरी इजी, बट दिस मेथड इज वेरी प्रेफरेबल व्हेन द डेटा गिवन और द वैल्यूज गिवन आर मोर डिस्पर्स्ड, राइट। अच्छा, यही बात है अगर सपोज कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल दिया है, बराबर। अब क्वालिटेटिव के लिए तो स्पीयरमैन्स का होता ही, बराबर है, ये फाइंड आउट किया। लेकिन अगर सपोज न्यूमेरिकल दिया है 75, 78, 32, 46, राइट। अब देखिए ऑलरेडी ये क्वांटिटेटिव को भी इसको रैंक कोरिलेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसको खुद इसको रैंक देखें, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट कौन है, तो 78 फर्स्ट रैंक होगा, ये सेकेंड रैंक होगा, ये थर्ड रैंक होगा और ये फोर्थ रैंक, राइट। दिस वे वी कैन वैल्यू आउट। लेकिन अगर सपोज समझ लीजिए कि यही चीज अगर मैंने ऐसा किया कि यहाँ पे दूसरा भी 75 लिख दिया, अब क्या करेंगे बताइए। तो फर्स्ट रैंक का तो ये वाला राइट है, अब सेकंड रैंक का क्या होगा बताता हूँ। सेकंड एंड थर्ड रैंक के लिए 75 दो है, तो आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड रैंक का एवरेज निकाल दीजिए, राइट। दैट इज 5/2, दैट इज 2.5। तो इसका जो रैंक होगा That will be 2.5 और ये भी हो जाएगा 2.5। समझ पड़ा आपको। तो ये जो हो गया 2 और 3 अब खत्म हो गया, तो अब ये जो भाई साहब थर्ड वाला है वो बन जाएगा फोर्थ और ये जो फोर्थ वाला है वो बन जाएगा फिफ्थ। आई होप यू अंडरस्टूड। तो जब भी टाई हो जाता है दो वैल्यूज के बीच में तब हमको उसका एवरेज फाइंड करना है, राइट। दिस इज द इजिएस्ट मेथड, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला and you will get the answer, right? So let's start with the exercise 2.3. So exercise 2.3 ka question number 1. 6 companies are ranked by the 2 market analysts on the basis of their growth in the recent past. Jaise maine bataya yahan pe analyst jo ranking karte hain usko hi humko sum karna hai. Already yahan pe rank diya hua hai, humko rank dene ki zarurat nahi hai, right? तो रैंक बाय एनालिस्ट 1, रैंक बाय एनालिस्ट 2, ये दो टेबल है, इसको टेबल आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द इवैल्यूएशन गिवन बाय 2 एनालिस्ट, राइट। आपको खाली ये फाइंड करना है द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 2 एनालिस्ट इज व्हाट, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए हमने टेबल बना दिया है, कंपनी ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, रैंक बाय एनालिस्ट 1 का दिया हुआ है, ऑलरेडी रैंक दिया है, रैंक बाय एनालिस्ट 2 का दिया हुआ है, दैट इज RX और RY ले लेते हैं। तो अब क्या करना है, अभी हमको इसका डिफरेंस फाइंड करना है। RX माइनस RY, 5 माइनस 6 क्या होगा माइनस 1, 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, 4 माइनस 2 दैट इज 2, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 6 माइनस 5 दैट इज 1।
आप ये बात याद रखना कि डी हमेशा जीरो आएगा, डी हमेशा जीरो आएगा, राइट। तो अगर आप देखें तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी हमेशा दैट इज जीरो, राइट। अब वैसे ही हम लोग डी स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस टू का भी प्लस फोर ही हो जाएगा, माइनस टू का प्लस फोर, इसका फोर, फिर वापस इसका फोर और ये वन, दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर हमको फाइंड करना है, राइट। दैट इज वन प्लस फोर फाइव नाइन थर्टीन थर्टीन सेवनटीन और ये एटीन, ओके राइट। नाउ अब आपको आगे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, राइट राइट। तो R इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस वन, राइट। चलो वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर क्या आया था एटीन, राइट, अपॉन एन हमारा क्या है थ्री, इन थ्री सिक्स कंपनी से, तो सिक्स सिक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस वन, राइट। आराम से करना, वन माइनस सिक्स एटीन सिक्स का कितना फोर्टी एट, फोर दैट इज वन जीरो एट अपॉन सिक्स इंटू थर्टी फाइव, ओके। चलो इसको अभी अब कैंसिलेशन करना है तो कर सकते हैं, और जीरो पॉइंट फाइव वन फोर थ्री आएगा, और इसको अगर वन में से माइनस करेंगे तो जीरो पॉइंट फोर एट फाइव सकते हैं। देयरफॉर द कोरिलेशन, द रैंक कोरिलेशन correlation coefficient between two analysts is 0.49। यहाँ पे टेबल बना है, विलेज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन दिया हुआ है, बराबर। अब रैंक फॉर स्वच्छ अभियान, यहाँ पे दो टाइप के अभियान के रैंक दिए हुए हैं, राइट। एक स्वच्छ अभियान का और एक बेटी बचाओ अभियान, ये दो अभियान के बारे में एनालिसिस किया है हुआ है। तो इनका रैंक दिया है फोर एट सेवन वन नाइन फाइव सिक्स टू थ्री और एक बाजू सिक्स एट फाइव वन नाइन सेवन थ्री फोर टू, राइट। अब अगर हम इसका डी फाइंड करते हैं तो डी फोर माइनस सिक्स क्या आएगा माइनस टू, एट माइनस एट जीरो, सेवन माइनस फाइव टू, वन माइनस वन जीरो, नाइन माइनस नाइन जीरो, फाइव माइनस सेवन माइनस टू, सिक्स माइनस थ्री प्लस थ्री, टू माइनस फोर माइनस टू और थ्री में से टू गया तो वन, देख लीजिए माइनस टू प्लस टू, राइट। फिर उसके बाद आ गया है थ्री फोर, ओके। नाउ अब हम करेंगे डी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर जीरो फोर जीरो जीरो फोर नाइन फोर और ये वन, तो इसका अगर हम सिग्मा डी स्क्वायर करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, राइट। आर इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर माइनस वन, ओके। चलो आर इज इक्वल टू वन माइनस सिग्मा सिक्स, सिग्मा डी स्क्वायर क्या है ट्वेंटी सिक्स, डायरेक्ट ले लो और ये कितना है नाइन है, तो ये नाइन, ये हो जाएगा एटी वन माइनस वन, दैट विल गिव वन माइनस सिक्स सिक्स और थर्टी सिक्स का थ्री, सिक्स टू जै ट्वेल्व फिफ्टीन, राइट, दैट इज वन फिफ्टी सिक्स, नाइन इंटू एटी, राइट, दैट विल गेट वन माइनस वन फिफ्टी सिक्स अपॉन नाइन एट सेवेंटी टू दैट इज सेवन ट्वेंटी, बस इसको डिवाइड कर दीजिए जीरो पॉइंट सेवन एट थ्री थ्री और ये हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन एट, बस हम लिख दीजिए, राइट। द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट between two analysts is 0.78, okay।
सो स्टूडेंट्स दिस इज योर आंसर, आई होप यू गॉट इट, इजी है राइट आपके लिए है। तो हमने ये सोचा कि ये पहला वीडियो जो है इसमें कंसेप्ट और सिर्फ टू सम्स रखें सो देट आपका आइडिया क्लियर हो जाए और नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे सम्स कर देंगे राइट। सो लेट्स सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो नंबर ऑफ टाइम्स जब तक आपका क्लियर ना हो। अगर कुछ क्वेरी है, अगर आपका आइडिया फिर भी नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए राइट, आई विल गेट बैक टू यू। ऐसा हो तो हम वापस आपको हेल्प करेंगे समझाने के लिए। ओके चलो, हैव अ नाइस डे।